हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो तीन न्यूज़ आपको बताऊंगा और न्यूज़ ऐसी हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जिसमें पहली न्यूज़ एक ऐसी है कि भारतीय कंपनी ने एक अमेरिकी कंपनी को पूरा का पूरा खरीदने के लिए साइन कर दिए हैं, और दूसरा कि दुनिया में और हमारे देश में इस टाइम जो बड़े लोग हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये प्रॉफिट बुकिंग करने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं मिल सकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वो कौन सी कंपनी है जिसने अमेरिकी कंपनी को ख़रीदा है। तो देखिए, कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम टू एक्वायर 100% स्टेक इन स्टार फिश एसोसिएट LLC USA। परसिस्टेंट सिस्टम INC USA होली ऑनेड सब्सिडरी हैज़ इंटायर्ड इनटू ए स्टॉक परचेस एग्रीमेंट 2 जुलाई 2024 US टाइम फॉर द यूकाइजेशन ऑफ स्टारफिश एसोसिएट्स LLC USA। स्टारफिश इज ए ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरप्राइज कम्युनिकेशन सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो देखिए, इतनी बड़ी कंपनी को ख़रीदा है, ये अपने आप में ही एक किसी पहचान की मोहताज नहीं, स्टारफिश एक कंपनी, जैसा कि आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस था, लगभग पूरी दुनिया में ये अपनी सर्विस देते थे, जो सॉफ्टवेयर की इनकी सर्विसें हैं, और उसको हमारी भारतीय कंपनी ने ख़रीद लिया है। तो आप इसकी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आने वाले कल में इस शेयर के अंदर क्या हो सकता है और आज क्या हुआ। तो देखिए, आज कंपनी 2% की बढ़त के साथ आज शेयर का प्राइस बंद हुआ, और इसके अंदर आज 2% की तेज़ी देखने को मिली, और हो सकता है कल भी इसमें तेज़ी देखने को मिले। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसके अंदर तेज़ी देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है जब अच्छी न्यूज़ आती हैं तो न्यूज़ के कारण शेयर के अंदर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद में जैसे ही इसके अंदर आम लोग खरीदारी शुरू करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। हालाँकि न्यूज़ इतनी बड़ी है कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कुछ समय के लिए आएगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है। लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान रखें कि शेयर अपने 52 वीक हाई पर ही काम कर रहा है। इस टाइम इसका जो 52 वीक हाई है उसके आसपास ही काम कर रहा है, 4622 जिसका 52 वीक के आसपास ही है बिल्कुल, और लो उसने आज लगाया है 4482 रुपये का। तो आप इस पर काम करना चाहते हैं तो पहले शेयर को समझें, और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है शेयर के ऊपर उसको समझें, तभी जाकर काम करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट बुकिंग की न्यूज़ हैं कि दुनिया में भी और हमारे देश में भी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कितने ज़ोरों शोरों पर चल रही है। तो देखिए, ये विदेशी न्यूज़ है, अमेज़ॉन के शेयर रिकॉर्ड हाई पर और $5 अरब के स्टॉक बेचेंगे कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस। तो देखिए, ये स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है, और ऐसी बात ऐसा ये तरीका होना भी चाहिए, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और बड़े लोग तो खैर कौन समझा सकता है, वो तो अपने खुद इतने दिमाग के माइंड के तेज होते हैं कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। पूरी न्यूज़ कुछ इस तरह है, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अमेज़न के 2.5 करोड़ अतिरिक्त शेयरों को बेचने के प्लान का खुलासा किया है। इन शेयरों की मौजूदा कीमत $5 अरब है, बहुत बड़ी रकम है $5 अरब। अमेज़न के शेयर हाल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग से ये जानकारी मिली है। बेजोस ने फरवरी में 9 कारोबारी दिनों में $8.5 अरब के शेयरों की बिक्री की थी। तो देखिए, पहले बेच चुके हैं और अभी और बिकने वाले हैं, क्योंकि ना मालूम है इस टाइम बुल चल रहा है बहुत तगड़ा, और हर किसी के अंदर ये लग रहा है कि मैं शेयर को खरीद लूँ, बस खरीद लूँ,
लेकिन मेरी माने तो इस टाइम शेयरों के अंदर पोजीशन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जब आप काम करें तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करें। अब चलते हैं हमारे देश में किस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की बातें चल रही हैं, चलिए वो भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए अपने देश की न्यूज़, मजगांव डॉक OFS, मजगांव डॉक में अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को कितनी रकम मिलेगी, पूरी न्यूज़ देखें। मजगांव डॉक शिपयार्ड्स को शेयर 3 जुलाई को 8.20% की बढ़त के साथ 4684.85 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,00,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। ये स्टॉक पहले ही 2024 में 101% की बढ़त के साथ डबल हो चुका है। पिछले 12 महीने में कंपनी के स्टॉक में 3 गुना से ज़्यादा की बढ़त रही है और ये 250% से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए ये अफवाहें समझ सकते हैं आप, ये मार्केट में ये अंदर की बात जो लीक होती है वो समझ सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचेगी इसमें तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब कितना प्रॉफिट होगा, सरकार कितना हिस्सा बेचेगी, ये जब देखा जाएगा जब न्यूज़ पूरी तरीके से बाहर निकल कर आएंगी। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अब मार्केट में काम करने के लिए बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट गिरने वाला है, बिल्कुल गिरने वाला है मैं कहूँगा, लेकिन कब गिरेगा इसे कोई नहीं बता सकता, कितना और बढ़ेगा ये भी कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये हर किसी के दिमाग में है, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, देश का हो, विदेश का हो, सब जानते हैं सारी दुनिया के अंदर जो शेयर मार्केट हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा शेयर मार्केट है वो रिकॉर्ड हाइयों को छू रहा है। और इसके अंदर करेक्शन आई तो इतनी बड़ी करेक्शन आएगी कि छोटे मोटे जो इन्वेस्टर हैं वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ आप प्रॉफिट में हैं तो नज़र बना कर रखें, जैसे ही आपको गिरावट दिखाई दे तुरंत अपनी होल्डिंग काटें, प्रॉफिट बुक करें, घर ले जाएं। आपको ऐसा लगे कि शेयर और भागने वाला है तो दोबारा खरीद सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत सावधानी से काम करें। तो दोस्तों दी हुई जानकारी कैसी लगी, न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं इस तरह की न्यूज़ पेश करता रहूं, और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो अपलोड होने के बाद। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।